Hey guys, welcome to Wi-Fi City, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल Wi-Fi City पे। तो guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है guys, 40-45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज है जो कि कवर करते हैं आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसी हर एक न्यूज जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में, ताकि कोई भी अगर न्यूज पेपर नहीं पढ़ता है किसी भी कारण की वजह से वो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करें, और ये आधे घंटे का सेशन देखें, ओके। और यकीन मानिए, इसके अंदर जो आपको सीखने को मिलेगा गाइज, वो आपके सिर्फ एग्जाम में नहीं, आपके लाइफ में भी जो है वो बहुत काम आएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस 45 मिनट के सेशन में आपको क्या क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले तो प्रीवियस डे के क्वेश्चन देखेंगे, कोट ऑफ द डे देखेंगे, इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर कवर करेंगे, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट देखेंगे, और आज के क्वेश्चन है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ क्लासेस लेके आइए, तो गाइज आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं 1000 क्वेश्चन की जो है वो सीरीज लेके आने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर ही उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा। ये सारे करके चले जाना, अगर आपने जीके नहीं पढ़ी है तो आपका पूरी तरीके से जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन जीके वाले पोर्शन की हो जाएगी। ठीक है गाइज, 5 बजे वाला सेशन गाइज बना दिया है सामर्थ्य, एक बार आप देखो। चलिए ठीक है, ये सारे एग्जाम है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे इंडिया के एग्जाम है जो कि मेजरली हम लोग सेशन में कवर करते हैं। चलिए प्रीवियस डे क्वेश्चन की बात करते हैं, कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने ब्रांड नेम डैश के तहत भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, XP100 भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एंटी शिप मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक डिकमीशन शिप के खिलाफ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रह्मोस दोस्तों डीआरडीओ और एनपीओएम ऑफ रशिया के द्वारा डेवलप किया गया, सही बात है, तीनों विंग के पास है, ये भी सही बात है, बस ये वाली गलत बात है क्योंकि इसको 2001 में इसकी शुरुआत करी गई, तो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन डैश में किया गया है, कहां पे, पुणे में किया गया है। भारत में बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे, यार रहमान जी को चुना गया है। ठीक है गाइस, हॉर्नबिल निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का पक्षी है? तो हॉर्नबिल जो है एक तो केरला का है, एक चंडीगढ़ का है और एक अरुणाचल का है। ठीक है ओके, चलिए 1-2 दिन पहले मैंने शायद इसके अंदर नागालैंड भी ऐड कर दिया था, तो वो नागालैंड नहीं है, है ना, ध्यान रखिएगा, और नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है। ओके चलिए, इसके अलावा गाइज मंडे से, अगले आज क्या हो गया, फ्राइडे हो गया ना, हाँ वेनेसडे से आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का कोर्स भी आ रहा है SSC कैटेगरी के अंदर, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो कर सकते हैं, 450 रुपए पर मंथ में। इसके अंदर आपको सिर्फ ज्योग्राफी मिलेगी क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस की कंप्लीट क्लासेस, साथ में आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश की भी आपको पूरी क्लासेस टेस्ट सीरीज के साथ में मिल जाएगी, आप यहां से रेलवे और SSC दोनों की तैयारी कर सकते हैं, और भी आप अपने PCS VCS सब आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। UPSC की बात करें तो UPSC 2020 के लिए भी दोस्तों वेडनेसडे से ही जो है करंट अफेयर है जो कि आप लोगों के लिए लॉन्च हो रहा है, इनफैक्ट ये तो मंडे से ही हो रहा है मेरे ख्याल से, तो अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो 2020 के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये करंट अफेयर है जो कि मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। कोड ऑफ द डे देखते हैं जो कि मोहित के द्वारा भेजा गया है, डरो मत यहाँ हर कोई मरता है, वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है कि देखो डरो मत, मरना तो हर किसी को है, कोई 2 साल पहले मरेगा, कोई 2 साल बाद में मरेगा, लेकिन वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। यकीन मानिए, आप हो सकता है कि घर वालों के प्रेशर के अंदर आप किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉलेज की, किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आज नहीं तो कल डेस्टिनी को आपको वहीं पर ही पहुंचाना है जहां पे आप सच में जाना चाहते हो। अगर आप मेहनती हो, अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अगर आपको सच में पता है कि मुझे खुशी किस काम में मिलेगी, हो सकता है कि फॉर ए टाइम बीन आपको जो है गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में होता है कि मुझे ये करना है, तो जो भी आपको करना है उसके साथ में जो है उसको लेते चलो,
ओके हो सकता है अभी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, करो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पैशन को, अपनी इच्छाओं को कभी मत मारो, क्योंकि वही है जो कि आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस है जो कि अवेलेबल करवाएगी, ठीक है। और सक्सेसफुल वही है जो कि खुश है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर। शिवेश बोल रहे हैं कि सर रेलवे के लिए कुछ लेके आए। शिवेश मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है ना, 1,000 क्वेश्चन है जो कि मैं रेलवे के लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। रेलवे के लिए 1,000 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, 1-2 दिन का टाइम दो, हम लोग क्या करेंगे मंडे वनडे से इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डेंगू की। डेंगू की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात किया गया है। गवर्नमेंट ने ऑफर किया है 8 चेंजेस फार्म लॉ के अंदर, लेकिन अभी भी दोस्तों हमारे जो यहाँ पे मांगे हैं, हमारे किसानों की जो मांगे हैं, वो क्या है कि पूरी तरीके से रिपील कर दिया जाए इस लॉ को, तीनों कानून को हटाने के लिए बोला है, ना कि उसमें बदलाव करने के लिए। तो अभी भी दोस्तों बात जो है वही की वही है। इसके अलावा जो प्रकाश बादल है, उन्होंने भी पद्मा विभूषण अवार्ड जो कि उनको 2015 में मिला था, वो भी लौटाने के लिए उन्होंने बोल दिया प्रोटेस्ट को फेवर करते हुए, ठीक है। जो यहाँ पे CISCE जो बोर्ड है, उसने स्कूल को 4 तारीख से ओपन करने के लिए बोला है। रजनीकांत अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के अपने फ्रंट पेज में जो कि हम लोग बात करने वाले हैं। दिल्ली के अंदर कोई भी नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, ओके। तो जैसे ही आपको मालूम है फाइजर बायो बायोटेक जो है mRNA वैक्सीन है, उसको यूके के अंदर अप्रूवल मिला, और वहां पे 80,000 लोगों को जो कि मोस्ट वल्नरेबल है, उन लोगों को दोस्तों अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर दिया। इंडिया के अंदर भी दोस्तों हमें भी इस चीज को लेकर काफी क्यूरियोसिटी हो गई कि कब हम लोग जो है इसको ओपन करेंगे पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग फेज 3 के ट्रायल के जब रिजल्ट आ जाएंगे तो इमिजिएटली उसके बाद में जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो प्रोसीजर है ना, वो इंडिया में, यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस, मेजरली सब जगह सेम ही है कि आपको पहले तो जो है वो रिजल्ट दिखाइए ट्रायल 3 के, उसके बाद में हम लोग इमरजेंसी यूज के लिए उसको अवेलेबिलिटी करवा देंगे। तो ऐसी CSIR के द्वारा ये बात बोली गई है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे टेस्टिंग ही मॉडल के ऊपर जो कि चल रही है, ठीक है गाइज, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। और फाइजर ने भी जो है वो इंडिया के अंदर भी अप्लाई कर रहा है, ओके, अप्रूवल के लिए, लेकिन देखते हैं मतलब इंडिया में जो है इसको कब अप्रूवल है जो कि मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पहले ही जो स्पुतनिक 5 है और भी कई वैक्सीन का ऑर्डर कर रखा है वैसे तो, लेकिन जब उनके रिजल्ट आएंगे तभी हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे फाइजर ने भी बोला है कि हम लोग इंडिया के साथ में भी काम करने को तैयार है। देखो भाई फाइजर तो प्राइवेट कंपनी है, जो पैसा देगा उसके पास में तुरंत आ जाएगी, तो अगर यहाँ पे यूके में रिजल्ट अच्छे हैं तो हमें भी फिर इससे ले लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कर लेना चाहिए वैसे, है ना। जब यूके ने कर लिया है तो फिर इतना सोचने का ज्यादा वैसे वो लॉजिक नहीं है मतलब, ठीक है। आगे बात करते हैं, रजनी विल लॉन्च पार्टनर इन जनवरी 2021, ओके। लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है कि पहले फाइजर को भी इंडिया के ऊपर ट्रायल थोड़े बहुत करने बहुत जरूरी है, पहले इंडिया में ट्रायल करके उनके रिजल्ट आएंगे ना तब ज्यादा बेटर होगा कि इंडिया में उसका अप्रूवल मिले, समझ गए मेरी बात, ठीक है गाइस। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो तुरंत शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दोस्तों जो कि रजनीकांत के पिक्चर के अंदर आपने देखा होगा, किस तरीके से रजनीकांत जो है वो कई बार पॉलिटिशियन बनते हैं, और फाइनली उन्होंने बोल दिया कि जनवरी 2021 के अंदर वो पार्टी है जो कि लॉन्च करेंगे तमिलनाडु के इलेक्शन के अंदर, और बोला कि ये नीड ऑफ एन आर है, समझ गए मेरी बात। और मुझे लगता है कि रजनीकांत के आने से मतलब सबका पत्ता जो है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी फैन फॉलोइंग है, काफी पॉपुलैरिटी है, और इन्होंने ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स विद नो करप्शन और फ्री ऑफ कास्ट एंड रिलीजन बायस को लेकर दोस्तों बोला है कि हमारी जो पार्टी होगी उसके अंदर कोई भी कास्ट या फिर रिलीजन को लेकर बायसनेस नहीं होगी, और हम लोग सिंगल रिलीजन के ऊपर, सिंगल फ्री मतलब सबको लिबर्टी के ऊपर है जो कि हम लोग काम करेंगे। स्लोगन दिया वी चेंज एवरीथिंग एंड नाउ और नेवर, ओके गाइज, यहाँ पे। इसके अलावा ठीक है 2021 के अंदर है जो कि देखते हैं क्या होने वाला है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बेंगलुरु की ये वाली न्यूज, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और चलिए तो बेंगलुरु के अंदर दोस्तों क्या हुआ, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर होम है जो कि बनाया गया है, काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है जो कि ट्रांसजेंडर के साथ में होती है, और यही कारण है जिसकी वजह से ये जो ग्रुप है वो हमारी सोसाइटी में इंक्लूड नहीं हो पाया। अगर ट्रांसजेंडर को भी प्रॉपर तरीके से मौका दिया जाए, उनको भी कॉमन तरीके से देखा जाए ह्यूमैनिटी के तौर पे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए।
लेकिन पता नहीं कि हमारे समाज में कुछ अलग ही रामायण है जो कि चलती है ट्रांसजेंडर को लेकर। तो इंडिया का फर्स्ट होम है जो कि बनाया गया है किसके लिए, ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन के लिए। समझ रहे हो, क्योंकि उनका केयर और प्रोटेक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना कि दुनिया के बाकी लोगों का जरूरी है। ओके, तो इसको बेंगलुरु के अंदर बनाने के लिए बोला जा रहा है और ये कंट्री का फर्स्ट है। तो जो डब्ल्यू सी डी मंत्रालय है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल है जो कि दिया गया है। समझ गए मेरी बात। चलिए ठीक है, दो गवर्नमेंट रन ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन जो है वो स्टैब्लिश करे जाएंगे बेंगलुरु के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 50-50 चिल्ड्रन की कैपेसिटी है जो कि यहाँ पे होने वाली है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जनवरी तक जो है वैक्सीन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। और अगर आपने दोस्तों मास्क नहीं लगाया तो आप किसी और के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है जो कि कर रहे होते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नॉट यूजिंग मास्क फ्लॉड्स फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हो तो किसी और को इन्फेक्ट करने के चांसेस बढ़ रहे हैं और ये दूसरे का फंडामेंटल राइट का हनन है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बचपन से जो एक बहुत ही बड़े ब्रांड एम्बेसडर है खुद के ब्रांड के एमडीएच के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि टेस्टिंग कैसे किस तरीके से कोविड-19 को उसने पूरी तरीके से रोक दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें। इसके अलावा लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब भी टैक्सेबल है अंडर द जीएसटी एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, सबसे पहले वियतनाम को लेकर दोस्तों। तो देखिए अभी आपको जान के हैरानी होगी कि जो वियतनाम है ना, इसके अंदर कोई भी कोविड केस नहीं है, नो कोविड केस। अजीब बात है ना कि जहां पे दुनिया में इतना बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे कोई कोविड केस भी नहीं है। तो क्या इनके पास में वैक्सीन आ गई क्या, चोरी छुपे क्यों इन्होंने वैक्सीन वैक्सीन ले ली क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने कोई वैक्सीन बना ली है। इन्होंने दोस्तों एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई और ये स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत ज्यादा कारगर है जो कि साबित हुई है। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे देखिए एक पेपर है जो कि पब्लिश शेड्यूल किया गया है पब्लिश होने के लिए, यूएस जनरल जो है ना हेल्थ फैक्टर, उसके अंदर जिसमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बताया है। अब कोरिलेशन किसके बीच में, टेस्टिंग के बीच में और साथ में कोविड-19 के केसेस के बीच में। समझ गए मेरी बात, कि यानी कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग करोगे उतने ज्यादा दोस्तों बोला गया है कि उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट है जो कि उन देशों को देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए रविंद्र प्रसन्न है और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पॉलिसी है कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के अंदर। तो उन्होंने दोस्तों इसके ऊपर काफी ग्लोबल स्केल के ऊपर रिसर्च करी और ये पेपर है जो कि पब्लिश करें जिसमें बताया कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर ट्रेस कर लिया लोगों को और ट्रैक कर लिया और उनको क्वारंटाइन कर दिया, और टेस्ट ट्रेस और ट्रैक करने के लिए पहले टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों ने दोस्तों ज्यादा टेस्टिंग करी उन लोग कंट्रीज के अंदर केसेस जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं, और जहां पे लॉकडाउन किया गया और वैसे तौर पे रोकने की कोशिश करी गई कोविड-19 को, तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे कि इंडिया एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे बोलीविया, पेरू, चिली, इन लोगों को हार्डली कोई बेनिफिट मिला है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जिन लोगों ने जो है ट्रेसिंग के ऊपर, जैसे कि चाइना, यहाँ पे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, जिन लोगों ने, न्यूजीलैंड, जिन लोगों ने ट्रैकिंग, जिन्होंने टेस्टिंग के ऊपर फोकस किया उनके ज्यादा बेटर रिजल्ट है जो कि देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया है। चाइना ने तो मतलब काफी हद तक जो है पूल पार्टी भी स्टार्ट कर दिया, मतलब हमने तो सोच भी नहीं सकते अभी हम 3-4 महीने पूल पार्टी की। तो ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एमडीएच को लेकर। दोस्तों बहुत ही बड़ा ब्रांड रहा मसाने का और 97 उम्र के महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की मृत्यु हो गई है। ओके गाइस, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। और पोस्ट कोविड-19 के जो ट्रीटमेंट है वो ये देख रहे थे। इसके अलावा हाँ, वियतनाम के बारे में बताना भूल गया, वियतनाम की कैपिटल करेंसी बता दो भाई क्या है जल्दी से। हाँ, वियतनाम की जो कैपिटल है उसका नाम है हैनोई। ओके, और जल्दी बताओ करेंसी क्या चलती है, डोंग, वियतनामीज डोंग है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंच लोग हैं जिनके अंडर में थे, फ्रेंच मतलब फ्रांस से दोस्तों इनको 1945 के अंदर इंडिपेंडेंस है जो कि मिली है। ठीक है गाइस, पॉपुलेशन की बात करें तो कोई नियर बाय 10 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पे हैन डायनेस्टी है जो कि करके हुआ करती थी बहुत पहले। चलिए, तो एमडीएच के बारे में बात करें तो बहुत ही पुरानी कंपनी है,
जो एमडीएच के जो ये महाशय जी है धर्मपाल जी, इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के सियालकोट के अंदर, जो कि आज सियालकोट है ना, 1919 के अंदर। फूड और स्पाइसेस के अंदर इनकी कंपनी डील करती है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और देखिए 1923 से लेकर 2020 तक ये चेयरमैन रहे, मतलब नियर बाय नियर बाय, मतलब ओके, इनका जन्म हुआ मतलब ये 1919 में 4 साल की उम्र में कैसे चेयरमैन बन गए, मतलब ये थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, कंपनी की शुरुआत 1919 के अंदर हुई थी। ठीक है, कंपनी की शुरुआत 1919 के अंदर हुई थी, 1923 के अंदर, सही है बिल्कुल, 1923 के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, कंपनी के चेयरमैन बने और 2020 तक जो है वो चेयरमैन रहे। अभी एमडी जो है वो राजीव गुलाटी है, ज्योति गुलाटी जो है अभी डायरेक्टर है, और चना मसाला से लेकर जितने भी मसाले हैं उसके अंदर ये डील करते हैं। और आप देख सकते हैं नेट इनकम जो है 400 करोड़, 500 करोड़ के आसपास है सालाना। ओके, तो बहुत ही फेमस ब्रांड है। कभी तांगा भी दोस्तों ये चलाया करते थे। तो देखिए दोस्तों, मेहनत से जो है 1500 करोड़ का साम्राज्य है जो कि इन्होंने बनाया, एमडीएच के दादाजी नाम से दोस्तों, बहुत फेमस रहे। और दिल्ली में करोल बाग के अंदर मसाला बेच के जो है इन्होंने शुरुआत करी थी, है ना। एफएमसीजी क्षेत्र में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ है जो कि ये बने दोस्तों। ठीक है, और आपको जान के हैरानी होगी कि फिफ्थ क्लास पास ही है। तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो डिग्रियां हैं, जो ये सब जो है, कभी भी आपको बड़ा बनाने में मदद नहीं करेगी। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका जज्बा है, जुनून है, ये आपको आगे लेके जाएगी। ओके ठीक है, ये इनका यार चेयरमैन का टाइम नहीं बताया जा रहा, मतलब ये इनकी शुरुआत बताई जा रही है, कब ये पैदा हुए थे। 1919 से लेकर 1920 तक इनका टाइम लाइन है, इनका जन्म का और डेथ का। ठीक है, हाँ, असली मसाले सच सच एमडीएच। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जन्म का और डेथ का। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ रुपए किए, वो भी हाफ टाइम में। लेकिन हर्षद मेहता जो था उसने गलत तरीके से किए थे, यहाँ पे हमारे एमडीएच वाले जो दादाजी है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमाए, समझ गए। ठीक है, तो इसके मेरे ख्याल से जो कंपनी की शुरुआत और इसके अंदर जो है टाइम लाइन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, ये शायद थोड़ा गलत दिया हुआ है इसके ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 1923 के अंदर हुआ था, और उसके बाद जो है मतलब कंपनी जब इन्होंने स्टार्ट करी होगी उसके कुछ साल बाद में, तब ये चेयरमैन बने होंगे। तो यहाँ पे टाइमलाइन थोड़ी गलत दे रखी है, मतलब ऑब्वियसली। ठीक है गाइस, चलिए, तो 5वीं क्लास के बाद में स्कूल जो है इन्होंने छोड़ दिया था, मतलब ओके, उसके बाद में देखिए कितना बड़ा बिजनेस बना लिया। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 की दोस्तों। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है 2024 के इलेक्शन की तैयारी में जुट गए हैं, और यूएस ने ब्लॉक कर दिया है इंपोर्ट स्लेव लेबर कॉटन का चाइना से। चाइना के अंदर दोस्तों काफी फेमस है कि चाइना जो है उनका जो नॉर्थ जो वेस्टर्न एरिया है जहाँ पे यूगर मुस्लिम्स रहते हैं, उनको स्लेव बना के वहां पे कॉटन जो है उसका काम करवाता है और उसको एक्सपोर्ट करता है। तो यूएस ने इसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे। बुरेवी दोस्तों श्रीलंका पहुंच गया है, 12,000 लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों यूएस के सीनेट ने जो है, ठीक है, उसने यूएस जो सीनेट ने बिल क्लियर कर दिया है इमिग्रेंट के वीजा को लेकर, तो इससे इंडियंस को जो है काफी बेनिफिट है जो कि हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है कि यूएस के सीनेट ने एक बिल पास किया है जिसमें बोला गया है कि अगर कोई, पहली बात तो जिन लोगों को ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा था, बहुत सालों से रह रहे थे यहाँ पे, उनको ग्रीन कार्ड देने के लिए बोला है, साथ में उनके जो फैमिली है ना मेंबर्स है उनको भी देने के लिए बोला है। पहले कैप लगा हुआ था 7% पे, अभी इसको 15% पे कर दिया गया है, समझ गए। तो बहुत सारे इंडियंस को उससे बेनिफिट है जो कि होने वाला है, जिनको काफी सालों से इंतजार था ग्रीन कार्ड का। तो इमिग्रेंट वीजा के ऊपर बिल है जो कि क्लियर कर दिया गया है। ठीक है गाइज, चलिए, तो यहाँ देख सकते हो साइक्लोन दोस्तों बुरेवी किसके द्वारा नाम दिया गया है, मालदीव्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो 12,000 लोगों को जो है श्रीलंका के अंदर जो है वो अफेक्ट है जो कि ये करने वाला है, और फिर हमारे यहाँ पे भी आने वाला है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्मर पाकिस्तानी पीएम जफरुल्ला जामेली जी की डेथ हो गई है, 2002 से लेकर 2004 तक ये दोस्तों प्रधानमंत्री है जो कि हुआ करते थे।
हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। अरे भाई कलका जयंतु की जरूरत नहीं है, कलका जयंतु हमने बाकी सबसे कवर कर लिया था ना, कोई लोट नहीं है। अरे भाई आपकी कोई न्यूज नहीं छूटी है अजय, चिंता मत करो। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 14। ओके, और HDFC को दोस्तों नए क्रेडिट कार्ड जो है वो लागू करने से मना कर दिया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऐसा क्या हुआ कि HDFC को अलाउ नहीं है कि अभी वो नए क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च कर सकता है, अवेलेबल करवा सकता है, और ये जैसे ही मार्केट में आती है 2% स्टेक जो स्टॉक मार्केट में शेयर है वो HDFC के नीचे लुढ़क जाते हैं। समझ गए, यहाँ पे बात करेंगे रोशनी नडार के बारे में भी, इंपॉर्टेंट है दोनों न्यूज। सबसे पहले तो दोस्तों RBI ने हॉल्ट कर दिया HDFC बैंक को नए क्रेडिट कार्ड इश्यू करने को लेकर, ठीक है। टेम्पररी स्टॉप करने के लिए बोला है, परमानेंट स्टॉप करने के लिए नहीं बोला है। टेम्पररी स्टॉप करने के लिए क्यों बोला है गाइस, क्योंकि अभी कुछ टाइम से दोस्तों काफी जो है प्रॉब्लम आ रही थी इसके मोबाइल बैंकिंग के अंदर, और जो बाकी सुविधा है ना, जो इंटरनेट की सुविधा है, पेमेंट करने को लेकर, ऐसी सारी सुविधाएं को लेकर दोस्तों काफी प्रॉब्लम है जो कि हो रही थी, या इनफैक्ट पावर फेलियर भी हो गया था इसका, ठीक है, पावर फेलियर हो गया था प्राइमरी डेटा सेंटर के अंदर। इसीलिए दोस्तों और ज्यादा लोड नहीं आए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, इसके लिए दोस्तों एग्जामिन किया गया RBI के द्वारा, और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए पहले बोला है दोस्तों, उसके बाद में ही जो ये रिस्ट्रिक्शन है जो कि हटाए जाएंगे। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है दोस्तों HDFC, पिछले 2 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है आईटी सेक्टर, आईटी सिस्टम के अंदर। ओके, अब इन्होंने बोला है कि हम इसको ये लोग सही करेंगे और उसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये न्यूज आती है 2.13% स्टेक है जो कि BSE के अंदर गिर जाते हैं मतलब, और बिगेस्ट लॉस है जो कि कल हुआ है। अशित दुबे बोल रहे हैं कि सर आपके पेपर से मेरा दैनिक बहुत डिफर कर रहा है। अशित एक काम करिए, दिल्ली एडिशन जो है वो वाला डाउनलोड करिए, सबसे बेस्ट एडिशन जो होता है वो दिल्ली एडिशन होता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, समझ गए मेरी बात। ऐसे तो खैर 12-13 एडिशन आते हैं दैनिक के, सब जगह अलग अलग न्यूज में आती है, ठीक है गाइज। चलिए तो यहाँ पे HDFC की बात करें तो 1994 में इसकी शुरुआत करी गई, और श्यामलाल गोपीनाथ जी है जो कि अभी कौन है चेयरमैन है, और शशिधर जी है जो कि अभी CEO है, जो कि आदित्यपुरी के बाद में बनाए गए थे, समझ गए। 1 लाख लोग हैं जो कि काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अस्थायी रूप से ये देखिए रोकने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि डाटा सेंटर में पिछले महीने कामकाज प्रभावित होने के चलते यह आदेश दिया गया है। मोबाइल बैंकिंग पेमेंट बैंकिंग में परेशानियों के संबंध में है। ओके, प्राइमरी डेटा सेंटर में बिजली बंद होने के चलते बैंक के इंटरनेट बैंकिंग सुविधा जो है वो बंद हो गई थी, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, रोशनी नडार दोस्तों देश की रिचेस्ट वुमेन है जो कि बन गई है, और जो मजूमदार है किरण मजूमदार वो सेल्फ मेड वुमेन के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। तो अगर मैं रोशनी नडार की बात करूं तो HCL कंपनी के बारे में आपने सुना होगा ना, HCL कंपनी की शुरुआत 1976 में करी गई थी। IT कंपनी है जैसे कि TCS है, इंफोसिस है, विप्रो है, उसी प्रकार से HCL भी है। ओके, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड है जो कि हम इसको कहते हैं, समझ गए मेरी बात। IT सर्विसेज है और IT कंसल्टेंसी देती है। 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी, शिव नडार के द्वारा इस कंपनी की शुरुआत है जो कि करी गई। शिव नडार की बेटी है दोस्तों रोशनी नडार, जो कि अभी चेयरमैन है दोस्तों। ओके, और MD कौन है, शिव नडार ही है। CEO कौन है, विजय कुमार जी अभी, और यहाँ पे इनकी नेटवर्थ है 54,000 करोड़ रुपीज। ओके, कोटेक वेल्थ हुरेन लिस्ट ऑफ इंडिया वेल्थ वेल्थीस्ट वुमेन के अंदर इन्होंने लीड किया है। ओके, इसके अलावा किरण मजूमदार की बात करें तो 36,000 करोड़ है उनकी। थर्ड स्पॉट जो है वो है लीना गांधी तिवाड़ी की, जो कि मुंबई हेडक्वार्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, USV उसकी ओनर है, ठीक है, लीना गांधी तिवाड़ी, ये USV कंपनी है, उसमें 21,000 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। ओके गाइज, तो इंडिया की जो टॉप 100 रिचेस्ट वुमेन है उनका यहाँ पे डाटा है जो कि बताया गया है। ओके, चलिए सेल्फ मेड वुमेन के अंदर किरण मजूमदार है जो कि नंबर 1 के ऊपर है। उसके बाद में राधा वेम्बू है, जोहो की फाउंडर है मतलब, ठीक है, उनकी 11,000 करोड़ की समवेयर है। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों वही किसान और अपने सेंटर को लेकर है। यहाँ पे दोस्तों पहला जो केस 12 घंटे के अंदर ही लॉ आते ही जल्दी से मतलब पुलिस के द्वारा किया गया, उसको लेकर यहाँ पे बताया गया। यूपी के अंदर रजनीकांत जी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि UN ने डिसाइड किया है कि जो गांजा होता है, कैनबिस होता है, उसको डेंजरस नार्कोटिक में इंक्लूड नहीं करना है, और इंडिया ने भी इसके ऊपर सहमति है जो कि जताई है। ओके गाइज,
यहाँ पे एमडीएच के ओनर के बारे में, यहाँ पे Q3 के जीडीपी के रिजल्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, और यहाँ पे ईडी के कुछ केस को लेकर है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों यूएन यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है कि जो कैनपिस है उसको डेंजरस नार्कोटिक की लिस्ट में से निकाला जाएगा, और हमने भी इसको रिक्लासिफाई करने के लिए बोला है दोस्तों, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ नेशन जो है यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने बोला है कि भाई जो ये गांजा है ना, इसको मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस की लिस्ट से निकालिए। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है नार्कोटिक ड्रग के ऊपर, उसके अंदर ये बताया गया है। तो इसका नार्कोटिक ड्रग का जो सेशन है, ये 63rd सेशन था इसका, और इसके अंदर दोस्तों चेंजेस करने के लिए बोला है, ठीक है। एक्चुअली के अंदर इसमें क्या है, जो शेड्यूल 4 है ना, उसके अंदर इसको डाल रखा है 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग के ऊपर, समझ रहे हो, ये देख रहे हो, फोर्थ शेड्यूल है 1961 का सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग, इसके अंदर इसको इंक्लूड है जो कि किया हुआ है। और इसी के अंदर दोस्तों आपके कई सारे डेडली ड्रग्स भी हैं, जैसे कि आपके चरस हो गया, हीरोइन हो गया, ये सब भी इसके अंदर है। तो आप चरस और हेरोइन के साथ में आप गांजे को नहीं डाल सकते हो। दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर जो वीड है ये तो काफी कॉमन कर रखा है, मतलब एलन मस्क तो आपको मालूम है इंटरव्यू जो है वो वीड के साथ में देते हैं, ओके। इसके अलावा कई सारे म्यूजिशियंस हैं, कई सारे एक्टर्स हैं जो कि ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है वो गांजा लेके घूमते रहते हैं, ओके। बॉब मार्ले तो पूरी दुनिया में फेमस इसीलिए है, वो तो मतलब आदमी जो है वो टी शर्ट और गांजे के साथ में आ गया, ओके। हालांकि ये चीज करनी नहीं चाहिए, मतलब ऑब्वियसली आप लोग गांजा या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा टॉक्सिकेशन जो कि आपके मेंटल लेवल पे 1% का भी फर्क पड़े उससे दूर रहिएगा, लेकिन ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से इस बार इंडियन मीडिया ने जो हल्ला उल्ला मचाया है गांजे को लेकर, उसके वजह से जो है इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल इसके ऊपर डिस्कशन का एक टॉपिक है जो कि बन गया, ओके। तो यहाँ पे 59 ईयर कैनाबिस एंड बी सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल शेड्यूल, ओके, ये बोला गया। अब इसको चेंज करने के लिए दोस्तों बोला गया है, ठीक है। चलिए, अभी रिसेंटली भारती जो है भारती सिंह भी पकड़ी गई थी, मतलब चलिए, हाँ चलिए आगे बात करते हैं। और हमारे यहाँ तो क्या काफी साधु संत लोग भी है जो वाराणसी के अंदर और मतलब जहाँ पे भी है, मतलब वहां तो काफी फेमस है, मतलब शिव जी को रिलेट करते हैं, मतलब उसके साथ में, आई डोंट नो मतलब ये क्या लॉजिक है लेकिन फिर भी बता नहीं क्यों। चलिए आगे पीछे आगे बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंडिया के टॉप 3, ठीक है। टॉप 3 दोस्तों पुलिस स्टेशन के बारे में बात करेंगे जो कि है मणिपुर, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को लेकर। तो यहाँ पे देखिए नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन है जो कि मणिपुर के अंदर है, इसको देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है जो कि बताया गया है। ये रैंकिंग जारी करी गई है दोस्तों किसके द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, समझ गए मेरी बात। सेकंड स्पॉट के ऊपर दोस्तों तमिलनाडु का है सुरामंगलम, ठीक है, सुरामंगलम पुलिस स्टेशन है तमिलनाडु के अंदर, ये सेकंड नंबर के ऊपर है, ओके। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों कारसेंग पुलिस स्टेशन है, ये तीसरे नंबर के ऊपर है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये नॉग से आप तो देखो, सिर्फ आप इस नाम से याद करो, नॉग से, पूरा नाम तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे लेकिन नॉग से याद कर लो, मणिपुर का पुलिस स्टेशन है नंबर 1 पे, तमिलनाडु का सेकंड नंबर पे है मंगलम नाम से, और अरुणाचल का कारसंग नाम है, कारसंग ये तीसरे नंबर के ऊपर है, इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है जो कि बताया गया है, समझ गए मेरी बात। एनुअल रैंकिंग दी गई है दोस्तों 2015 के बाद से ही जो है इसकी शुरुआत करी गई थी, ओके। और ठीक है, हर साल जो है इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशन है जो कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, प्रॉपर्टी कैसी है वहां पे, साफ सफाई कैसी है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वीकर सेक्शन को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, इन सब को लेकर दोस्तों बताया जाता है। कितने मिसिंग पर्सन है, अनआइडेंटिफाइड फाउंड लोगों को कितना पता किया उन्होंने, इन चीजों को लेकर क्राइटेरिया जो कि इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ओके। हमारे देश में कितने नियर बाय 16,000 पुलिस स्टेशन में से टॉप 10 की रैंकिंग है जो कि निकाली गई है, 19 पैरामीटर है, मतलब जो जिसके ऊपर इनको देखा जाता है, 19 पैरामीटर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 पे दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो हमारे पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर अवार्ड को लेकर है गाइस, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं सोलापुर के एक टीचर जिनको मिला है $1 मिलियन का प्राइज मनी जो कि उन्होंने अपने बाकी रनर अप लोगों के साथ में भी बांट दिए। हम बात कर रहे हैं रंजीत सिंह जी को लेकर,
पेपर से के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, तो डेफिनेटली इनको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। और रणजीत सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये इनके स्टूडेंट है। इन्होंने क्या किया, अपनी इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ गई, ये काफी परेशान थे जिस तरीके से गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर जो स्कूल के हालात है उस चीज को लेकर। ओके, तो प्राइमरी स्कूल के अंदर दोस्तों एक जहां पे बहुत ज्यादा अकाल पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, उस एरिया के अंदर इन्होंने क्या किया दोस्तों, वहां पे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। 32 साल के प्राइमरी स्कूल टीचर है। ओके, और एक गांव का नाम है प्रीतेवाड़ी, प्रीतेवाड़ी विलेज है, महाराष्ट्र के अंदर है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो वर्ल्ड के मोस्ट एक्सेप्शनल टीचर है जो कि इनको अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के तौर पे, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020, $1 मिलियन का प्राइज मिला है, आधा इन्होंने जो है बाकी लोगों के साथ में बांट दिया है। एक वारकले फाउंडेशन है उनके द्वारा दोस्तों इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया जाता है, वारकले फाउंडेशन। ओके, आज इस बार जो है 12,000 नॉमिनेशन में से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या किया है, किताबों के ऊपर क्यूआर कोड लगाया, क्यूआर कोड से कोई भी कहीं पर भी जो है वो पढ़ाई कर सकता है। पहले तो गांव के अंदर स्टार्ट किया, उसके बाद में राज्य में फैला, उसके बाद में पूरे कंट्री के अंदर आपको मालूम है कि कोई भी बुक है उसको ट्रांसलेशन कर सकते हो मदर टंग के अंदर, है ना, उसको रीडिंग कर सकते हो, ऑडियो में सुन सकते हो। तो ये क्यूआर कोड वाला जो बेस जो काम है वो इनके द्वारा किया गया है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। नाम ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह जी इनका नाम है, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है और ग्लोबल टीचर प्राइज है जो कि इनको मिला है, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर कर दो गाइस, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की तरफ। पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे चाइना के फर्टिलिटी रेट को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग, एक तो ये वाली न्यूज है, हाँ ये वाली न्यूज है। सबसे पहले बात करेंगे चाइना की फर्टिलिटी रेट को लेकर। आपको मालूम है गाइस कि चाइना ने बहुत साल पहले वन चाइल्ड पॉलिसी है जो कि लगाई थी, याद है क्या आपको, वन चाइल्ड पॉलिसी, जिससे चाइना ने काफी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर लिया था। लेकिन जब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और जवान कम हो गए तो 2015 के अंदर दोस्तों इसने इसको हटा दिया था, लेकिन चाइना के अंदर जो है वो आदत बन गई बच्चों की एक बच्चा ही करने की, तो इस वजह से जो है उन लोगों ने दो बच्चा तो अभी भी नहीं कर रहे वो लोग। इसी वजह से जो चाइना की फर्टिलिटी रेट है दोस्तों वो वार्निंग लेवल से भी नीचे चली गई है। एवरेजली हर एक कंट्री की फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए, यानी कि एक महिला जो है एवरेजली दो बच्चे जो है वो करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी कितना है, अभी हमारे यहाँ पे 2.3 है, हालांकि 2.1 करने का टारगेट है, लेकिन अभी इसको 10-20 साल लगेंगे। चाइना की पता है कितनी हो गई फर्टिलिटी रेट, ये है 1.5, जो कि वार्निंग लेवल से भी नीचे चली गई है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी पॉपुलेशन जो है अभी धीरे धीरे कम होने लगेगी और ओल्ड एज पॉपुलेशन दोस्तों ज्यादा और से ज्यादा होने लगेगी, समझ गए मेरी बात। तो हर चीज के क्या होते हैं दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग होती है, नेगेटिव चीज का भी एक पॉजिटिव आउटकम होता है, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर लाइनिंग बोलते हैं ना इसको। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, तो पॉजिटिव हमारे यहाँ पे ये यह हो गया कि हमारे यहाँ पे जवान बहुत सारे हो गए। आज भी 7% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बिलो 35 साल से कम की है। बस प्रॉब्लम ये कि ये स्किल्ड नहीं है, प्रॉब्लम ये कि ये सब के सब सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, प्रॉब्लम ये कि देश की के को निर्माण करने के अंदर जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है, क्योंकि हम इनको स्किल नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे, नौकरी नहीं होगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 10 साल तक अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहेंगे तो उनकी जवानी तो वेस्ट हो गई, तो जो यंग लेग्स थे उनका यूटिलिटी हमारे कम हो गया, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए एक बच्चा बोल रहा है इंडियंस को भेजो वहां पे, सही बात है, हमारे लोगों को भेज दिया तो 5 जाएंगे वहां पे एवरेज फर्टिलिटी रेट। आगे बात करते हैं फ्लिपकार्ट को लेकर। फ्लिपकार्ट ने दोस्तों जो अपनी फोन पे कंपनी है, ओके मालूम है ना फ्लिपकार्ट की, जेबोंग, महिंद्रा, फोन पे, ये सब ई कार्ड, ये सब फोन पे की कंपनी है। और फोन पे फ्लिपकार्ट किसकी है, सॉरी फ्लिपकार्ट की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है जिसके अंदर आपकी फोन पे भी आती है, महिंद्रा, जबोंग, ओके ई कार्ड, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है। और फ्लिपकार्ट किसकी है, वॉलमार्ट की है। तो फ्लिपकार्ट ने दोस्तों एक बहुत ही जो है जबरदस्त जो है फोन पे को आगे बढ़ाया था और फोन पे को अलग कंपनी इन्होंने बना दिया और इसको भी दोस्तों इन्होंने आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। $700 मिलियन का फंड है दोस्तों जो कि अभी इन्होंने रेज किया है और इसकी वैल्यूएशन $5.5 बिलियन है जो कि फोन पे की पहुंच चुकी है। ओके, फोन पे ने दोस्तों पेटीएम की जो है वो बहुत ही जबरदस्त लगा दी थी,
और 500 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स है जो कि फोन पे के हैं। 87% जो हिस्सेदारी है दोस्तों वो किसकी है, फ्लिपकार्ट की है, और जो है डायरेक्टली 10% है जो कि वॉलमार्ट है जो कि इसके अंदर लेने वाला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फोन पे के बारे में है जो कि बताया गया है। ठीक है चलिए, फोन पे बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि काम कर रही है आज के टाइम पे। आगे बात करते हैं जनसत्ता की। जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पे बादल और डिडासा जी ने जो है अपना पद्म सम्मान है जो कि लौटा दिया। किसान नेताओं ने सरकार का खाना लौटाया और कृषि कानूनों को रद्द करने पड़े किसान, ये सब आपको मालूम ही है। ठीक है, बाकी सारे के सारे कॉमन यहाँ पे न्यूज है। आज नेवी डे भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आज नेवी डे भी है। ओके चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली न्यूज इम्पोर्टेंट है जो कि है किड ऑफ द ईयर को लेकर। ओके तो भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक है गीतांजलि राव, क्या नाम है भाई, गीतांजलि राव है जो कि क्या बनी है, किड ऑफ द ईयर बनी है। 15 साल की राव को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें इस किताब से नवाजा गया है। साइबर बुलिंग की पहचान करने के लिए इन्होंने ऐप बनाया है। ठीक है गाइज, साइबर बुलिंग आपको मालूम है बहुत ज्यादा दोस्तों जो है साइबर बुलिंग होती है आज के टाइम पे। तो उसके लिए पहचानने के लिए एक ऐप बनाया है जिसमें दूषित जल अफीम की लत के क्षेत्र को भी इसके अंदर जो है उन लोगों को भी मदद है जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, 5,000 से ज्यादा नॉमिनेशन है जो कि आए थे और गीतांजलि राव को चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा टाइम के कवर पेज के ऊपर भी दोस्तों इनको दिखाया गया है। ठीक है गाइज, ठीक है, और एंजेलिन जॉली ने इनका इंटरव्यू लिया मतलब। तो काफी सही काम मतलब इन्होंने किया और यूएस के अंदर ही रहती है मतलब। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अध्यापक को मिला 7.5 करोड़ रुपए का ग्लोबल टीचर प्राइज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है चलिए, आगे बात करते हैं। सिंगापुर दोस्तों फर्स्ट कंट्री है जिसने अप्रूवल दे दिया है लैब क्रिएटेड मीट को लेकर। तो लो भाई, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए एक खुशखबरी है, या फिर वेजिटेरियन लोगों के लिए भी जिनको नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद है लेकिन फिर भी वो कई बार उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं खाना चाहिए या आधे अधूरे वाली कैटेगरी में रहते हैं। दुनिया के नॉन वेजिटेरियन वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है कि आपको जानवर को मारना भी नहीं पड़ेगा और आपको नॉन वेजिटेरियन फूड भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा, ये एक साइंस है मतलब जो कि लोगों ने जो कि बनाई गई है और काफी अप्रिशिएबल है मतलब कि जानवरों की इससे कम से कम मृत्यु नहीं होगी। सिंगापुर ने दोस्तों एक यूएस का स्टार्टअप है ईट जस्ट द ग्रीन लाइट, ईट जस्ट द ग्रीन लाइट। तो ये स्टार्टअप ने दोस्तों क्या किया है, लैब के अंदर जो है ना वो नॉन वेजिटेरियन फूड है जो कि ये बना रहा है। वर्ल्ड का फर्स्ट रेगुलेटरी अप्रूवल है जो कि इसको क्लीन मीट के लिए मिला है दोस्तों, बिना किसी जानवर को मारे। और आजकल डिमांड जो है अल्टरनेटिव रेगुलर फूड की बढ़ भी गई है, समझ रहे हो, क्योंकि COVID-19 में काफी लोगों ने जो है नॉनवेज का कंजप्शन को कम कर दिया था। इसको बोलते हैं क्लीन या फिर कल्चर्ड मीट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कल्चर्ड मीट। इसके अंदर दोस्तों जानवर को मारा नहीं जाता है, जानवर के स्टेम सेल से जो है मसल को क्रिएट करके और मीट बना के पैक किया जाता है। मतलब बहुत सही बात है, मतलब जानवर की मृत्यु नहीं हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। कुल मिला के लैब के अंदर दोस्तों एक तरीके से आर्टिफिशियल मीट है जो कि ये बनाया जा रहा है। अभी इसकी प्रोडक्शन कॉस्टिंग काफी हाई है इसलिए दुनिया के अंदर ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन सिंगापुर ने इसका अप्रूवल दे दिया। ये देखिए, पहले बायोप्सी करो, स्टेम सेल निकाल लो। अब ये स्टेम सेल निकालना तो चलो ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है एनिमल को, मतलब ठीक है ना, लेकिन एटलीस्ट एनिमल को किल नहीं किया जा रहा है, मारा नहीं जा रहा है, समझ रहे हो। अभी स्टेम सेल को क्या किया जाएगा, ग्रोथ में करवाया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद में इनके मायोट्यूब्स बना के मसल सेल्स बनाए जाएंगे लैब के अंदर, और उसके बाद से इसे जो भी नॉनवेज फूड बनाना है वो बना लो भाई। ठीक है, तो काफी सही चीज है मतलब। ठीक है गाइस, तो इसको बोलते हैं कल्चर्ड मीट। इन विट्रो कल्चर ऑफ एनिमल सेल्स इसको बनाया जाता है, एनिमल को मार के नहीं बनाया जाता, एक तरीके से सेलुलर एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर एग्रीकल्चर। सही है ना, इसको सबसे पहले जेसन है उन्होंने 2000 के अंदर शुरुआत करी थी। ठीक है गाइस, ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर लिखा हुआ भी रहता है कल्चर्ड मीट, ये किसका है, चिकन। ठीक है ना, चलिए, राजनाथ सिंह जी टू अर्ज कंट्रीमैन टू वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूट टू आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड। तो राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों लोगों को बोला है कि आप लोग आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड के अंदर पैसा डालिए, 7 दिसंबर को ये दिवस है जो कि मनाया जाता है। ओके गाइज, और वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा 47 करोड़ रुपए जो कि पहले इकट्ठे करे गए थे और ये हमारे जवानों को, मार्टियर लोगों को, उनके परिवारों को दिया जाता है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है सेक्रीफाइसेस को लेकर जो कि हमारे जवानों ने, तीनों सेना के लोगों ने करे हैं। तो इसके अंदर अगर आप वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसके अंदर ठीक है काफी लोगों को, जो हमारे जवानों को मदद मिलती है। ठीक
इसके अलावा गाइज आज तो खैर मैं जो है वो लगा नहीं पाया, स्लाइड काफी लेट हो रहा था। ठीक है, शानू का डाटा जो है वो मैं कल आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है गाइज, कल मैं आपको 100% जो है वो शानू का डाटा अवेलेबल करवा दूंगा। तो प्लीज कोशिश करिएगा 10 रुपए 20 रुपए जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करके, 10 रुपीज 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करके शानू की मदद करने को लेकर। और शानू का केस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी से उनका एक साइड का बॉडी है जो कि पूरा जल गया था। ठीक है, तो आज मैं पूरे तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा पाया, तो इसलिए कल हम लोग कल मैं ये 100% कर दूंगा। ठीक है, लगा दूंगा। चलिए, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को डायरेक्टर जनरल है जो कि बॉर्डर रोड्स का बनाया गया। दोस्तों इनके बारे में बात करें, बॉर्डर जनरल बॉर्डर रोड जो है उसके डायरेक्टर है जो कि बनाया गया है। ओके गाइज, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी कमीशन बाय 2021। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि हम लोग हमारे खुद के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बना के कमीशन कर देंगे 2022 तक मैक्सिमम। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत 75% जो मटेरियल इक्विपमेंट है वो हम लोग खुद बनाएंगे। कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसके ऊपर काम है जो कि किया जा रहा है। अभी हमारे पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही है, उसका नाम है INS विक्रमादित्य। ठीक है गाइज, और ये पहले रशिया ग्रोस्कोव है जो कि था, उसी से हमने विक्रमादित्य को बनाया है। ठीक है, सॉरी, ये विक्रमादित्य इंडिजिनियस नहीं है तो रशियन है, हमारा तो विक्रांत है। हाँ, हमारा खुद का जो बनाया गया है उसका नाम तो विक्रांत है। ठीक है गाइज, चलिए ये देखिए, है ना, बहुत जबरदस्त है ना। ये देखिए, ये विक्रमादित्य है जो कि हमने रशिया से लिया हुआ है। आगे देखिए, आज के दिन की बात करते हैं तो 1860 के अंदर दोस्तों जो लॉरेंको ऑफ मारुगोवा, अगस्टिनो करके एक पर्सन थे दोस्तों 1860 के अंदर, आज के दिन में वो देश के पहले ऐसे पर्सन बने थे जिनको डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टरेट उन्होंने परस्यू किया फॉरेन यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के अंदर। मतलब अगर आपसे पहला पूछा जाए कि पहले भारतीय जिन्होंने डॉक्टरेट किया फॉरेन यूनिवर्सिटी से उनका नाम क्या है, तो गोवा के मारगांव के अगस्टिको वो पर्सन थे जिन्होंने किया था। पहली बार टाइफाइड की वैक्सीन आई थी दोस्तों 1899 में, और 1971 के अंदर इंडियन नेवी ने दोस्तों पाकिस्तान की नेवी के कराची पोर्ट के ऊपर अटैक करके उसको पूरी तरीके से तबाह है जो कि कर दिया था। ये मैं वर्ल्ड जो हमारी वॉर्स है ना, इंडियन वॉर है ना, फर्स्ट वॉर, चाइना वॉर, पाकिस्तान के साथ तीनों वॉर, ये मैं स्पेशल क्लास में पढ़ा चुका हूँ वैसे आपको। अगर आपको इनके बारे में कभी जानना हो तो स्पेशल क्लास में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज का फन फैक्ट है दोस्तों, आपको पता है क्या कि कोई ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे मॉन्क बनना कंपलसरी है? अरे भाई, आपसे बोला जाए कि आप मॉन्क जो है ना, आपको मॉन्क बनना कंपलसरी है, आपको कुछ टाइम जो है वो मॉन्क बन के गुजारना ही पड़ेगा, ऐसा कोई देश में हो सकता है क्या? बिल्कुल गाइज, ऐसा किसी देश में हुआ करता था, और ये देश कौन सा था? ये था दोस्तों थाईलैंड। काफी सालों पहले दोस्तों थाईलैंड में कंपलसरी हुआ करता था कि 20 साल के होते होते आपको पहले मॉन्क बनना पड़ेगा, चाहे आप राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे कोई भी हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनना पड़ेगा, और आपको बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, मेडिटेशन क्या होता है, कैसे शांति से रहा जाता है, कैसे पीस को जो है वो रखा जाता है, कैसे गुड कर्मा है जो कि करने को लेकर मोटिवेशन मिलता है। काफी अच्छी बात है वैसे। ओके, कि अगर जो मेडिटेशन करने लग जाएगा, मुझे लगता है कि लाइफ में कभी वो किसी का बुरा कर सकता है, या कभी लाइफ के अंदर वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, या फिर वो कभी खुश नहीं रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई भी गाइस बहुत परेशान रहते हो, बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन की समस्या है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल मेडिटेशन टेक्निक है जिसको बोलते हैं विपासना, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी दुनिया के अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, विपासना, और आपके राज्य का नाम गूगल पे लिख देना। ओके, एक वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर फॉर्म भर देना, जैसे कि राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान लिख दो, यूपी में लिखते हो तो उत्तर प्रदेश लिख दो, तो वहां पे आपको सेंटर मिलेगा, 10 दिन का होगा, और पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहना खाना कल के आ जाइएगा, जीवन जो है आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, अगर मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है वेडनेसडे से, तो ज्वाइन कर लीजिएगा आज ही ताकि पुराने वाले वीडियोस भी देख सके। हिस्ट्री खत्म होने वाली है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ में, सारे टीचर की मात्र 450 रुपए पर मंथ के अंदर, SSC के अंदर। आप SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, PCS कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU या फिर बुनेस्टन यूज करके। और अगर आप स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं और वहां पे कोई कोड पूछ रहा है तो वहां पर भी आप ये यूज है जो कि कर सकते हैं। ठीक है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी अपना गोल सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाए,
12 महीने पे जाइए, रेफरल कोड पूछेगा तो BHUNESH या फिर भुनेश टेन है जो कि लगा दीजिए। ओके गाइस, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैब निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के सीएम ने किस नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग के लिए BSE में घंटी बजाई? डीजीबीआर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हॉर्नबिल निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? ये तो कल भी कर लिया था शायद हमने, सॉरी ये गलत है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला है। कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। ओके, साथ में 1000 क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और रेलवे के लिए जल्दी लेके आने वाला हूँ। ओके, तो वेट करेगा, 1-2 दिन में उसका अनाउंसमेंट है जो कि मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।